वैदिक काल आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान आर्यों को यूरोप के कैस्पियन सागरीय क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। आर्य खैबर दर्रे के माध्यम से भारत आए और सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को अपना निवास स्थान बनाया और धीरे धीरे वे पूर्व की ओर अपना प्रसार करने लगे। ईरान की पवित्र पुस्तक ज़ेंदावेस्ता तथा बोगस कोई अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंदव प्रदेश कहा गया। आर्यों के जीवन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जबकि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो जान लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे और यह एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। ऋग्वेद आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंदव प्रदेश कहा गया और इस प्रदेश में प्रमुख सात नदियां प्रवाहित होती थी। ये नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास तथा सरस्वती है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया है। जान लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संरचना के विषय में। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था। परिवार पितृ सत्तात्मक था और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जिसे अन्य सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त होता था। पितृप्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाएं अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। उन्हें पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलना था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिक्ता घोषा, विश्वपारा, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक के पुरुष सूक्त में चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की चर्चा मिलती है, लेकिन यह तब तक विभाजन जन्म मूलक न होकर कर्म मूलक ही था। इसमें कहा जाता था कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और विशिष्ट को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मंडल का रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद का आठवां मंडल कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। नवे मंडल में सोम की चर्चा है। गाय को अघन्या यानी ना मारने योग्य माना जाता था। कर्म आधारित वर्ण विभाजन के बीच दास तथा दस्यु की चर्चा अवश्य मिलती है। दास तथा दस्यु के साथ आर्यों का संघर्ष होता रहता था। दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में अदेवेयु यानी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाला और अब्रह्मण यानी वेदों को ना मानने वाला, अयज्वन यानी यज्ञ नहीं करने वाला इत्यादि रूपों में की गई है। दस्यु की तुलना में दास ऋग्वैदिक आर्यों के लिए कम घृणास्पद थे और उन्हें आर्थिक उत्पादन से जोड़ा जाता था। दास तथा दस्यु को अमानुष भी कहा गया। ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। कन्या का विवाह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होता था। लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। बहुपत्नी प्रथा अनुपस्थित थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जाता था। कन्या के विदाई के समय जो उपहार तथा द्रव्य दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था। विधवाओं को पुनः विवाह की स्वीकृति थी। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुख्य आयोजनों के दौरान परोसा जाता था। दूध तथा दूध से बने व्यंजनों की भी चर्चा मिलती है। स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे, बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लिए जाते थे।
स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का उपयोग परिधान के रूप में करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ खेल था। कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। आर्यों के परिधानों को तीन भागों में, वास यानी शरीर के ऊपर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र, अधिवास कमर के नीचे धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र तथा ऊषणीय यानी पगड़ी, इसमें बांटा गया था। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अधो वस्त्र को नीली कहा जाता था। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में। नमस्कार।